वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज के दिन हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारे डेटाबेस को हमारे वेब होस्टिंग पर हैंडल करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारी डायनेमिक वेबसाइट है उसको हम कैसे अपलोड करेंगे और उसे हैंडल करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस तक हम लोगों ने देख चुके हैं कि एक स्टैटिक वीडियो को कैसे हम अपलोड करेंगे और उसकी जो फाइल्स है उसको वहाँ पर किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में जहाँ तक देखा था उसमें हमने सिर्फ एक फाइल को वहाँ पर अपलोड किया था और उसे रन करके देखा था, ठीक है। उसमें कोई भी डेटाबेस का इंटरेक्शन नहीं था। तो मेन डिफरेंस फ्रेंड्स यही होता है कि जो हमारा जो स्टैटिक वेबसाइट होता है उसमें डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। वो एक ऐसी वेबसाइट होती है जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए बनाई होती है, जिसको हम HTML, CSS और JavaScript का यूज़ करके बना सकते हैं। बट जो हमारा डायनेमिक वेबसाइट हो जाती है उसमें हमें कोई एक ऐसी लैंग्वेज को इंक्लूड करना पड़ता है जिसके थ्रू हम उसके अंदर एक डेटाबेस को इंक्लूड कर पाए। ओके, तो जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन को अपलोड करें, जस्ट लाइक आप लोग कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, वो स्टोर होती है हमारे डेटाबेस में। ओके, तो ये सबसे मेन डिफरेंस हो जाता है। जो हमारी डायनेमिक वेबसाइट होती है उसमें हमारा डेटाबेस से इंटरेक्शन होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। स्टैटिक वेबसाइट में कुछ स्टोरेज नहीं होता है, उसमें सिर्फ आप स्टैटिक तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को विजिट करते हो। ओके, तो अभी तक के हमने जो वीडियोस देखे थे या बनाए थे उसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से एक स्टैटिक वेबसाइट को हम लोग हैंडल करें। अब इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हमारा डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हमारे वेबसाइट से उसको कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट को हम इसमें कैसे क्या अपलोड करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी वेबसाइट को रन करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग जो हमारा डेटाबेस है वो क्रिएट करेंगे और डेटाबेस के ऊपर हम कैसे क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम हमारा लॉगिन कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डेटाबेस वाला वीडियो है इसे आप पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि हमारा डेटाबेस कैसे क्या हमारे फाइल से लिंक होगा और हम उसे कैसे क्या इसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको एंड तक ये वीडियो देखना पड़ेगा पूरा समझने के लिए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लॉगिन हो चुके हैं, अब हम हमारा जो वेबसाइट ये हमको दिख रहा है, जो वेबसाइट पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद हम जाते हैं उसके मैनेज पर। ओके, नाउ देन कंट्रोल पैनल। अब इस कंट्रोल पैनल में हमको सारी फाइल्स हमारी मिलेगी, जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम देख चुके हैं। ये आपका है फाइल मैनेजर, इसमें आपकी फाइल्स अपलोड होती है। इसे मैं दो बार ओपन कर लेती हूँ ताकि यदि मुझे दो फाइल्स की ज़रूरत पड़े तो मैं उन्हें एक साथ ओपन कर पाऊँ। एंड देन मेरा PHP माई एडमिन, ये आपका होता है डेटाबेस के लिए। इसके पहले मैं फाइल्स अपलोड करना आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में। अब यहाँ पर हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेसेस के लिए आपको ये चार चीज़ें दी हुई है, तो हम लोग एक काम करते हैं, डेटाबेस हमारा MySQL डेटाबेसेस में जाकर क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, देन देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब आप जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आपको डालना है अपने डेटाबेस का नाम, जो भी आप अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम रख देती हूँ DB ट्रायल वन, मैंने इसका नाम रख दिया क्रिएट डेटाबेस। ओके, अब ऐसा करने से मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और नीचे आपको लिस्ट में आपका डेटाबेस मिल जाएगा। आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैंने कौन सा बनाया ये देखिए, DB ट्रायल वन, अभी जस्ट मैंने जो क्रिएट किया, ठीक है। अब ये डेटाबेस मुझे यहाँ पर मिल गया है। अब मुझे एक काम करना है नेक्स्ट, इस डेटाबेस के अंदर बनाने हैं टेबल्स और उसके अंदर रखनी है वैल्यूज़। ओके, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं PHP माई एडमिन का यूज़ करती हूँ ताकि मुझे वहाँ पर हर चीज़ ईजिली मैं उनको हैंडल कर लूँ। ओके, नेक्स्ट मैं गई PHP माई एडमिन में, इसमें ऑपरेट करना ज़्यादा सुटेबल लगता है मुझे। देन DB ट्रायल वन, ये मेरा डेटाबेस दिख रहा है यहाँ पर आपको, अभी जो मैंने बनाया था DB ट्रायल वन। अब मैं इसको कनेक्ट नाउ कर लेती हूँ, अभी मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो जा रहा है।
ये मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे अपने डेटाबेस में एक किसी टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। डेटाबेस बन गया, अब मैं टेबल क्रिएट करती हूँ। जैसा हम लोग लोकल होस्ट में जो PHP MyAdmin चलाते हैं, ये पूरा वैसा ही है। और यदि आप उसके ऊपर वर्क कर चुके हैं तो बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक टेबल का नाम लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 एंड गो। यहाँ पर मैं अपने फटाफट फील्ड्स सारे क्रिएट कर लेती हूँ, लाइक यू सीरियल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर। यहाँ पर मैं एक टेबल के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ या 4 कॉलम्स ले लेती हूँ। अब इन चारों को मैं क्रिएट कर लेती हूँ। ये मैंने सबके साइज़ यहाँ पर एंटर कर दी हूँ। अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट चीज़ ये करना है कि मैं सीरियल नंबर को ऑटो इंक्रीमेंट कर देती हूँ एंड प्राइमरी की बना देती हूँ, जिससे कि मुझे इसको बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा और प्राइमरी की आपकी यूनिक रहेगी। अब मैंने इसको कर दिया सेव। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये टेबल क्रिएट हो जाता है। और यदि आप ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी लोकल होस्ट पर, तो बहुत अच्छी बात है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारा डेटाबेस बन गया, उसमें हमने टेबल बना लिया है और उसके अंदर हमने कॉलम्स बना लिए। अब हम चलते हैं हमारी वेबसाइट की साइड, जो हमने पिछले बार अपलोड करना सीख चुके हैं, बट हम एक बार और देख लेते हैं। हम यहाँ पर हमारे फाइल मैनेजर में गए, जो मैंने फाइल्स ओपन करके रखी थी। यहाँ पर ये HT डॉक्स, इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पर हमको हमारी सारी फाइल्स मिल जाएगी जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये देखिए, हमारी सारी फाइल्स हमको यहाँ पे दिख रही है। तो हम हमारा काम कर रहे थे index.php पर, तो हम सबसे पहले index.php को ओपन कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, इंडेक्स को ओपन करने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। वो ये है कि आप इस इधर हमारी जो भी फाइल्स है उसको दो टाइप से एडिट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप अपना जो भी लोकल होस्ट है या आप अपने कंप्यूटर पे जो भी लोकल कंप्यूटर है, वहाँ पर आप इसको क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, पूरी फाइल को, और अपलोड कर दीजिए। सेकेंड तरीका ये है कि आप यहाँ पर भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपको कोई नई फाइल यहीं के यहीं क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप इधर प्लस साइन पर जाएंगे, यहाँ पर न्यू फाइल दिख रहा है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने बनाया register11.php। ये इस टाइप से मैंने लिखा register11.php, मैंने इसको कर दिया ओके। अब क्या होगा कि ये मेरी register11 वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी, अपने आप बन गई। देखो, ये नीचे नाम दिख रहा है आपको HT डॉक्स के अंदर, register11.php। अभी मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर मैं पूरा कोड अपना लिख सकती हूँ, जो भी मैं अपना PHP का कोड लिखना चाहती हूँ, ये इस टाइप से, और जो भी HTML का या PHP का कोड करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे इजीली कर सकती हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपके कोई भी, आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हो, लाइक फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेव कर देती हूँ और इसके बाद इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ, ओके, सो मैंने उसको क्लोज कर दिया है, उस फाइल को। अब सेव करने के बाद, क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर देखूँगी तो मेरा register11 ये पेज दिख रहा है, मैंने नया पेज यहीं के यहीं क्रिएट किया है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था अपलोड करने का, यहाँ पर जाकर आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं, zip फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारा फाइल हम लोग रन कर लेते हैं। रन करने के लिए आपको पता है, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा और मैंने उसको रन कर दिया। ये मेरा वेबसाइट जो मैंने इसमें ऑलरेडी अपलोड करके रखा है वो रन हो चुका है। अब मैं इसमें जाऊंगी साइनअप पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक पेज ऑलरेडी अपलोड करके रखा है साइनअप का, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर हियर। अब मैं यहाँ पर क्या टेस्ट परफॉर्म करने वाली हूँ कि मैं इस पेज में नॉर्मली एंट्रीज करूँगी कुछ, और ये जाके मेरा जो डेटाबेस है उसके अंदर जाकर स्टोर होगा, ठीक है। ये मैंने डेटाबेस में बनाया यूज़र नेम, पासवर्ड और फ़ोन नंबर, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हो, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर। ओके, इसको मैं साइन इन करूँगी तो जो मेरा डेटा है इसके अंदर वो जाकर वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ साइनअप आना चाहिए, बाय मिस्टेक साइन इन लिखा गया है। ओके, साइनअप। ओके, अब यहाँ पर मैं ये एंट्रीज डालूँगी, साइनअप करूँगी, तो ये मेरा डेटा जाकर इस डेटाबेस में जाकर स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस पेज के कोड पे जाती हूँ। इस पेज का नाम क्या है मेरा, signup.php। अब मैं signup.php में जाती हूँ, यहाँ पर मेरा एक signup.php रखा होगा, ठीक है। मैं इसको जाकर एडिट करती हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने किया एडिट।
अब इसको एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको एडिट कर सकती हूँ। तो मैंने अभी जो पेज लिखा है आप उसको देख सकते हैं कि जस्ट ये एक स्टैटिक टाइप का पेज दिख रहा है आपको, है ना। मैंने इसमें कोई PHP का कोड अभी एंटर नहीं किया है, PHP फील्ड मेरी अभी खाली है, और ये जस्ट एक स्टैटिक पेज है जिसके अंदर मैंने सिर्फ HTML और CSS और JavaScript का यूज़ करके पेज बनाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है नीचे, ये आपको फॉर्म दिख रहा है, इसके अंदर जो मैं वैल्यूज़ डालूंगी वो जाके मेरा स्टोर होना चाहिए इसमें। तो अब मुझे यहाँ पर PHP का कोड करना पड़ेगा। PHP का कोड करने के लिए मैं सबसे ऊपर गई फर्स्ट लाइन पर, सबसे पहले मुझे कनेक्ट करना होगा डेटाबेस। ओके, अभी आपको कनेक्शन का पूरा प्रोसेस पता होगा कि क्या क्या करना पड़ता है, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको सिर्फ डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपकी क्वेरी को रन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेती हूँ अपना डेटाबेस को कनेक्ट। अब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, सबसे पहले मैंने जस्ट एक कोई वेरिएबल ले लिया डॉलर कनेक्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम लोग कौन सी क्वेरी लिखते हैं, माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। अब देखिए मैं SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट मैंने मेथड लिखा। अब इसके अंदर आपने देखा होगा चार आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं हमारे। ओके, ये मैंने चार आर्ग्यूमेंट्स बना दिए। अब ये चार आर्ग्यूमेंट्स होते क्या क्या है ये आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट रहता है हमारा होस्ट नेम रहता है, जो भी आपका होस्ट रहता है उसका नाम रहेगा यहाँ पर, लोकल होस्ट है या कौन सा है। उसके अलावा सेकंड जो रहता है आपका यूज़र नेम रहता है, थर्ड रहता है आपका पासवर्ड, एंड फोर्थ रहता है आपका डेटाबेस नेम। अब ये चारों चीज़ें हमको मिलेगी कहाँ से, तो ये चारों चीज़ें आपको आपके अकाउंट में ही अवेलेबल रहती है। सबसे पहले तो हम लोग डेटाबेस में जाकर डेटाबेस का नाम और उसका सारा डेटा लेकर आ जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम हमारे कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं। कंट्रोल पैनल हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ये कंट्रोल पैनल है हमारा। अब कंट्रोल पैनल के अंदर हम लोग जो हमारी दूसरी सेटिंग्स है, लाइक सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं MySQL डेटाबेस में। यहाँ पर जाकर हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ये देखो ये डेटाबेस में गए हम, MySQL डेटाबेस जहाँ पर हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट किया था। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है, अपने डेटाबेस का नाम क्या है, DB Trial 1। ओके, अब DB Trial 1 जो है यहाँ पर देखो आपके डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है, यूज़र का नाम लिखा हुआ है, पासवर्ड और होस्ट नेम, सारी चीज़ें अवेलेबल है। पासवर्ड नहीं, वो मैं बता दूँगी अभी कहाँ से मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले तो हम अपनी फाइल पर आ जाते हैं। सबसे पहला होता है जो हमारा होस्ट नेम, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं होस्ट नेम क्या है हमारा, ये है MySQL होस्ट नेम। इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ जाकर इसको पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, कंट्रोल वी, ये मेरा पेस्ट हो गया। सेकंड थिंग मुझे लगती है यूज़र नेम, अब यूज़र नेम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ये ही रहा मेरा यूज़र नेम, इसको मैंने कॉपी किया एंड सेकंड जगह पर मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिख दिया। थर्ड लगता है मुझे पासवर्ड, अब यहाँ पर यदि मैं जाकर देखूँ तो मुझे पासवर्ड विजिबल नहीं है, यू वी पैनल पासवर्ड कह रहा है वो, तो मैं अपने वी पैनल में जाती हूँ कंट्रोल पैनल में। अब इधर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये पासवर्ड दिख जाएगा, है ना। अब ये पासवर्ड दिख नहीं रहा है, इसको शो हाइट पे जाके क्लिक करना, आपको पासवर्ड दिख जाएगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल पी, ये मेरा पासवर्ड आ गया। नेक्स्ट लास्ट थिंग हमारे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम तो यहाँ पर हमें अवेलेबल था, ये रहा हमारा डेटाबेस का नाम, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, ये सारी चीज़ें मेरी कॉपी पेस्ट हो गई है प्रॉपर तरीके से, चारों चीज़ें आ गई है। अब मैं चेक करती हूँ कि मेरा कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं कनेक्शन पर इफ लगाकर इसको चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा मेरा कनेक्टेड, और सेकंड थिंग यदि कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मेरा आ जाएगा एल्स, यहाँ पर लिखा आ जाएगा मेरा इको में Not connected, okay? Not connected. अब ये जो मेरा डॉलर कौन है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब यदि मेरा डॉलर कनेक्शन हो रहा है तो वो कनेक्टेड बता देगा, अदरवाइज वो नॉट कनेक्टेड बता देगा। अब मैं इसको रन करके देख, पहले तो यहाँ पर नीचे देखो ऑटो सेव लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिकली ये सेव होते जाएगा, जैसे जैसे हमारा काम होते जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा। अब ये मैंने इसको सेव कर दिया है, अब मैं इस पेज को रन करके देखती हूँ। मेरे पेज का नाम क्या है, साइनअप.php, जो मेरा रन किया हुआ पेज है ये साइनअप.php है, मैंने इसको निकाला,
ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, वापस से रन करती हूँ। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर कनेक्टेड लिखा आना चाहिए। ये देखिए ये ऊपर लिखा आ रहा है कनेक्टेड, ये दिख रहा है आपको कनेक्टेड, मतलब जो मेरा पेज है वो कनेक्ट हो चुका है। मेरी चारों चीज़ें सही थी जो मैंने यहाँ पर इनपुट करी थी, ठीक है। होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम, अब कनेक्ट हो चुका है। अब सेकेंड थिंग क्या है, जो नीचे मैंने फॉर्म बनाया है, ये तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आती होगी। ये मैंने फॉर्म जो बनाया है इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर और साइनअप, इन सभी को मैं पोस्ट मैथड से ऊपर पोस्ट करवा देती हूँ और उसको इंसर्ट करवा दूँगी मेरे डेटाबेस में। ओके, अब चलो हम देखते हैं ये काम कैसे क्या करेंगे हम लोग। इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिखा इफ़ के अंदर आ जाएगा इसेट, @ को हम इसेट का यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। अब इसके बाद $_ पोस्ट, अब $_post में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा सबमिट है, सबमिट बटन का यहाँ पर नाम आ जाएगा। ओके, अब हमारे सबमिट बटन का नाम क्या है, हम लोग नीचे देख लेते हैं। सब वन है उसका नाम, ये देखिए नेम क्या है, सब वन। मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। इसका भी हम सबके नाम देख लेते हैं, यू नेम, पासवर्ड, फ़ोन, और इन सबका यूज़ हमको ऊपर करना है, ठीक है। तो मैंने सब वन यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सब वन। ओके, अब इसके बाद मैं सारी चीज़ें पोस्ट करवा लेती हूँ लाइन से। हमने अभी सबके नाम तो देख ही लिए क्या क्या थे, तो मैं सभी को साथ में लिख देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए यू नेम, PW और फ़ोन, मैंने सारी चीज़, ये देखिए तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर पोस्ट करवा ली है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड फ़ोन, इनके नाम यहाँ पर इधर नीचे लिखे हुए थे, यू नेम, PW एंड फ़ोन। तो मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर पोस्ट करवा ली है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, क्वेरी एग्जीक्यूट करने का। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग जो मेथड लिखते हैं वो कौन सा होता है, माय SQLi _ क्वेरी, ये वाला मैं मेथड लगाती हूँ क्वेरी रन करने के लिए। अब इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है आपका कनेक्शन वेरिएबल, ओके, ये आपका $con आप यहाँ से उठाते हो और उसको यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे आपका कनेक्शन वेरिएबल लगेगा। सेकंड आपकी क्वेरी, अब क्वेरी कौन सी लगानी है आपको, इंसर्ट की क्वेरी, ठीक है। इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम क्या था, यूज़र, है ना, तो मैं यहाँ लिखती हूँ इंसर्ट इनटू यूज़र। नेक्स्ट क्या आएगा, वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ के अंदर मुझे चार वैल्यूज़ रखनी है, यहाँ पर मैं चार वैल्यूज़ रख देती हूँ। ये चार वैल्यूज़, फर्स्ट वाला तो सीरियल नंबर है तो एम्प्टी रहेगा, सेकंड है मेरा $username, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आ गया मेरा $username। सेकंड है मेरा $password, मैंने इसको यहाँ से उठाया और ओवरराइट ऑन फाइल सर्वर, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। थर्ड है हमारा फ़ोन नंबर, इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, ये मेरा क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई, मतलब क्वेरी तो मैंने पूरा लिख लिया। इसको मैं स्टोर कर देती हूँ एक वेरिएबल में। ये आपने क्या किया, SQL1 इज इक्वल्स टू लगा दिया, अब एक वेरिएबल में आपने उसको स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप चेक करेंगे कि वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर से हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करके उसको चेक कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, देन यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, कनेक्ट की जगह आ जाएगा MySQL1, ओके, यहाँ पर आ जाएगा इंसर्टेड, ओवरराइट ऑन फाइल सर्वर, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंसर्टेड एंड नॉट इंसर्टेड। अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, कनेक्ट भी हो गया है और मैंने इंसर्ट भी करवा दिया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, वैसे ऑटो सेव है तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर जाकर इसको रन किया, ठीक है, ये मेरा कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल कर देख लेती हूँ। यूज़र नेम, यूज़र नेम मैंने नेहा डाल दिया, पासवर्ड 123, मोबाइल नंबर समथिंग, मैंने कुछ मोबाइल नंबर डाल दिया, ओके। मैंने इसको किया साइनअप। अब हम चेक करते हैं
इंसर्टेड लिखा हुआ आ गया, कनेक्टेड एंड इंसर्टेड। अब इंसर्ट हो गया ये ऐसा बता रहा है। अब हम चलो देखते हैं हमारे डेटाबेस में जाकर। हम गए हमारे डेटाबेस में, इसको मैंने किया ब्राउज। अब यहाँ पर वो डिटेल्स आ जानी चाहिए हमारी जो वहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 1 Neha 123, ये मेरा फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है, इट मीन्स ये जो हमारा कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो हमारा जो कनेक्शन अभी हमने किया वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस कनेक्शन के बेस पर आप मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको मतलब क्वेरीज चलानी हो, आप कोई सी भी क्वेरी इसमें रन कर सकते हो। नेक्स्ट, हमको इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ओनली बस हमें तीन ये चार चीज़ें पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप जैसा कोड करते हो वैसा ही आपको कोड करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। सो मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी वेबसाइट अपलोड करके और उसमें एक डायनामिक टास्क परफॉर्म करके बता दिया है। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। सो अभी इस वीडियो के लिए इतनी चीज़ें इनफ है। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख चुके हैं, आप इनको अप्लाई करके देखिए एक बार। ओके, और कोई डाउट आए तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।